share together. मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये गाना वैसे तो फिल्म परदेस का है, पर ये बिल्कुल फिट बैठता है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के ऊपर। रणबीर और आलिया को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों ही इन दिनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही स्पॉट हो रहे हैं। आलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश भी जताई थी, और ये क्या पूरा खानदान भी आलिया और रणबीर कपूर के रिश्ते के लिए राजी हो गया है। हाल ही में ऋषि कपूर ने भट्ट परिवार को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें साफ था कि वो आलिया और उनके परिवार को कितना पसंद करते हैं। वहीं अगर रणबीर कपूर की माँ यानी कि नीतू कपूर की बात करें, तो मदर्स डे पर आलिया की एक तस्वीर पर उन्होंने प्यारा कमेंट कर ये बता दिया था कि उन्हें आलिया कितनी अच्छी लगती है। इधर रणबीर और आलिया भी एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे हैं। दोनों को अक्सर डिनर डेट और मूवी डेट पर देखा जाता है। इधर कैट से ब्रेकअप के बाद रणबीर सिंगल हैं, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की जैकलीन से क्लोजनेस ने आलिया सिद्धार्थ का रिश्ता खत्म कर दिया था। दोनों ही सिंगल थे और अपने इस अकेलेपन को ब्रह्मास्त्र के सेट पर दोनों ने कुछ ऐसा शेयर किया कि अब दोनों को साथ ही देखा जाने लगा है। रणबीर ने एक इंटरव्यू में आलिया को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि उनका आलिया पर बॉय क्रश है। फिर कई बार रिलेशनशिप में फेल हुए रणबीर क्या आलिया के साथ पास हो पाएंगे, या फिर इनका रिश्ता भी फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर ही खत्म हो जाएगा, इसका पता तो आने वाले टाइम में ही चल सकेगा। फिलहाल आप भी अपने कमेंट्स के जरिए हमें ये जरूर बताएं कि दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।